नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लवान उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत शेर सिंह राजवास में इन दिनों साइबर क्राइम सक्रिय है। साइबर ठग ग्रामीणों से मोबाइल पर कॉल कर ग्रामीणों से गेहूं मिलने व नहीं मिलने की जानकारी पूछकर ग्रामीणों द्वारा गेहूं नहीं मिलने की बात बताने पर वो गेहूं दिलवाने की बात कहकर रजिस्ट्रेशन करने की बात कहकर उनके मोबाइल पर भेजे गए OTP पूछकर खाते से रुपये पार कर रहे हैं। रुपये कटने का पता मोबाइल पर मैसेज आने के बाद पता चलता है। अब तक क्षेत्र के करीब एक दर्जन लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं। थाना प्रभारी हरदयाल मीणा व लोकेंद्र सिंह ने ग्रामीणों से मोबाइल पर आने वाले किसी भी प्रकार के OTP नंबर किसी को शेयर नहीं करने की अपील की है। मैं सर दिन में लेट रहा था, मेरे पास फोन आया कि आपको राशन सामग्री मिलती है क्या। वो सर मिलती है, चावल मिलते हैं, नहीं मिलता है चावल नहीं मिलते हैं, तो आपका राशन नया बनेगा, इसलिए इसको अपडेट करना है, तो OTP नंबर बताओ। तो मैंने OTP नंबर बताया तो उन्होंने मेरे खाते में से 18,063 रुपये निकाल लिए। फिर मैंने बाद में तुरंत उनके पास फ़ोन किया तो वो ऐसे बोले कि आपके पैसे क्रेडिट हुए हैं तो 24 घंटे के अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर 2-3 हज़ार रुपये डाल के देख लो, शो कर जाएंगे। तो मैंने डाला नहीं, फिर फ़ोन किया, फिर 24 घंटे बाद में उन्होंने फ़ोन ही बंद कर दिया। उन्होंने मेरे पास 4 बजे फ़ोन किया था, तो उन्होंने फ़ोन पर उन्होंने एक मैसेज भेजा कि आपके जो राशन कार्ड बंद है ना, जो चालू हो जाएंगे, खाद्य सामग्री जो बंद है 6 महीने से वो चालू हो जाएगी। तो उन्होंने राशन कार्ड को वेरीफाई करने के लिए मेरे पास OTP भेजी, तो मैंने उनको OTP बताई, उसमें से मेरे 11,390 रुपये कट गए। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा एक और OTP आएगी तो उसमें से मेरे 540 रुपये कट गए। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए VMR भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।